नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज चैनल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। खबर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय तीरथ सिंह रावत ने रामनगर लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी की विकास योजनाएं आज देश के विपक्ष को चुभ रही हैं। वह विगत 60 वर्षों तक देश की विकास करने में अक्षम रहने वाला विपक्ष आज देश के अंदर विकास की योजनाओं को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, देश के संसद का उपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए करने पर उतारू है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिस देश में जनता के लिए शौचालय नहीं थे व जनता को बिजली की सुविधाएं नहीं प्राप्त थी, इसके अलावा किसानों को खाद भी उपलब्ध नहीं होती थी, देश के अंदर मात्र एक दिन में 9 किलोमीटर सड़क बन रही थी, उन सभी चीज़ों को छूते हुए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के अंदर लगभग 7 करोड़ से ऊपर शौचालयों का निर्माण कराया व 8 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला गैस के अंतर्गत गैस प्रदान की गई। इसके अलावा एक दिन में 135 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होना शुरू किया गया, जिसमें 195 लाख किलोमीटर सड़क अभी तक की राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्ण रूप से बन चुकी है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग व SC/ST के लिए भी 95,000 करोड़ का बजट जारी कर उनको सम्पन्न बनाने की योजनाएँ तैयार की गई। वह देश के किसान को आय को बढ़ाने के लिए 2 गुना करने के लिए आज़ादी के बाद पहली बार खरीफ व रबी की फसल में सीधे तौर पर 200 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। देश के युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त हो सके, इसलिए स्किल इंडिया, वाइज डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को माध्यम बनाकर देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने का मार्ग भी खोला गया। इस प्रकार देश के अंदर कई विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य वर्तमान की मोदी सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों के कार्यकाल में किया गया। इतना ही नहीं, देश के आज़ादी के बाद भी आज भी देश के कई गांवों में बिजली से वंचित है, लेकिन भारत सरकार ने 2019 तक सभी गांवों को पूर्ण रूप से विद्युतकरणीय करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की करीबन 80% लक्ष्य पर कार्य पूर्ण कर लिया है। तथा पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों का ध्यान रखकर से करते हुए कहा कि उत्तराखंड के वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हुई है। आज उत्तराखंड की सरकार के किसी भी मंत्री पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप न लगकर इस बात का प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान उत्तराखंड सरकार ने NH घोटाले का 22 लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाकर भ्रष्टाचारियों को एक बड़ा संदेश देने का कार्य किया, तथा उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश के अंतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण यात्रा चारधाम यात्रा को सुलभ बनाने के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण भी प्रगति पर है। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हरीश बेलवालवा, नगर के अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा और प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य दिनेश मेहरा व जिला महामंत्री राकेश नैनवाल, जिला सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शर्मा व नगर महामंत्री मनोज रावत तथा महिला आयोग उपाध्यक्ष अमिता लोहानी, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष पूरन नैनवाल व युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विवेक संबल व वीरेंद्र सिंह बालम सिंह बीस्ट, गोपाल लोहानी, भावना भट्ट तथा भावना जोशी, महामोहन सिंह बीस्ट, अजीज खान तथा कुलदीप शर्मा आदि उपस्थित हुए। भारत सरकार की योजना है और मोदी जी की योजना है कि जिन गांवों में बिजली नहीं पहुँच रही है और आज दिन तक केवल 18 लोगों ने कनेक्शन नहीं पहुँचा, उन सब गांव में चाहे वो जो भी है उनके यहाँ लाइट जानी चाहिए, बिजली जानी चाहिए, और वो कनेक्शन लगाने में भी थोड़ा सा कठिनाई है, अधिकार तो पैसा भारत सरकार और सरकार चुपता है, और उसके तहत मैं सुनता हूँ बहुत सारे गांव ऐसे से आच्छादित हो गए। ऐसे 4,000 गांव पूरे भारतवर्ष के अंदर जो बिजली है दीनदयाल ज्योति योजना उसके तहत काम हुआ है और काम चल रहा है। सर, अभी आप सड़कों के बारे में बता रहे थे कि हमने इतने सड़कों का जैसे बनाई है, तो अभी जो धुमा रोड में जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें आप किसको जिम्मेदार बनाएंगे, सड़कों को बनाएंगे जिम्मेदार या ओवर लोडिंग, क्या है? देखिए, दोनों बातें हैं
और उसके लिए सभी को सचेत होना होगा। पहली बात है कि सड़कों को ठीक करना, और जो जहाँ कहीं इस प्रकार की गड्ढा तो सड़क नहीं है उसको ठीक करने का काम, और उसके लिए सरकार सजा हुई है और सरकार ने अधिकारियों को भंडित भी किया, जो इसके लिए लापरवाही किया है उसकी जांच बैठी है। दूसरा विषय ओवर लोडिंग का, मैं सुनता हूँ ओवर लोडिंग भी अच्छा नहीं है, और अधिकांशतः ओवर लोडिंग के घटनाएं घटती है, मोबाइल है, ओवर लोडिंग है, नींद है, ये तीन चार कारण एक्सीडेंट के होते हैं। और ये ओवर लोडिंग जस्ट भुगना लेकिन गड्ढा और ये दोनों चीज़ें नगर पालिका के चुनाव में कब तक होंगे? इसी तरह हम लोग तो शुरू में ही कराने वाले थे, आज नगर पालिका चुनाव हो चुके होते 6 महीने पूर्व में ही, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और जिनके कारण डिलाय हुआ कोर्ट का उनको मानना ही पड़ेगा। और अब शायद मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर में अगर जल्द से जल्द चुनाव हो जाए इस प्रयास में नहीं, अभी कोई कैंडिडेट निकला नहीं, लेकिन हम पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं और कई बैठकें कई दौर हमारे उठ चुके हैं, और जब भी चुनाव की घोषणा होगी डिक्लेयर होगा तत्काल इस प्रक्रिया में हमारी संगठन शाखा कराएगी और उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार बैठेंगे। सिंह बीस्ट गोपाल लोहानी, भावना भट्ट तथा भावना जोशी, महामोहन सिंह बीस्ट, अजीज खान तथा कुलदीप शर्मा आदि उपस्थित हुए। आइए दिखाते हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार किस तरीके से केंद्र के सहयोग के साथ आगे सराहनीय कार्य कर रही है और कौन से ऐसे कार्य थे जिसको काफी लोकप्रियता मिली है। उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों में बसे चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के मार्गों ने भूस्खलन, सिंकिंग जोन, अंधे मोड़ आदि दुर्घटनामय सैकड़ों स्थलों के कई आघातों से गुजरते हुए पगडंडियों से सड़कों तक का सफर तय किया है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और देशी विदेशी पर्यटक चार धाम एवं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और ओली में एडवेंचर खेलों के लिए उत्तराखंड की यात्रा करती हैं। इस यात्रा में उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये यात्राएं और दुर्गम एवं दुष्कर हो जाती है। सभी मौसम में ये यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में परिवहन मंत्रालय ने 12,000 करोड़ रुपए लागत की चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना बनाई है। 900 किलोमीटर लंबे 2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ नेशनल हाईवे विकास को गहन सर्वेक्षण और अध्ययन के बाद 7 पैकेजेस के माध्यम से आकार दिया है, जिसकी शुरुआत ऋषिकेश से होगी। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 140 किलोमीटर NH-58 का विकास, लागत 2166 करोड़ रुपए। रुद्रप्रयाग से माना बद्रीनाथ 160 किलोमीटर NH-58 का विकास, लागत 1542 करोड़ रुपए। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड केदारनाथ 76 किलोमीटर NH-109 का विकास, लागत 1106 करोड़ रुपए। ऋषिकेश से धारासू 144 किलोमीटर NH-94 का विकास, खर्च 1627.50 करोड़ रुपए। धारासू से यमुनोत्री 95 किलोमीटर NH-94 का विकास, लागत 1920 करोड़ रुपए। धारासू से गंगोत्री 124 किलोमीटर NH-108 का विकास, लागत 2079 करोड़ रुपए। टनकपुर से पिथौरागढ़ 148 किलोमीटर नेशनल हाईवे 125 का विकास, खर्च 1557 करोड़ रुपए। इन मार्गों पर कुल 132 पुलों की श्रृंखला बनेगी, जिसमें 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है। 13 बाईपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे। चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिमगिरी का पानी सड़कों की बर्बादी में अहम भूमिका निभाते हैं। जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल, 3889 कलवर्ट राजमार्गों की सुरक्षा का हल बनेंगे। पागल नाला,
लांबागढ़ जैसे 38 लैंडस्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली, सॉयल नेलिंग, गैवियन वॉल, स्क्वायर मैस वेजिटेशन, जियोसिंथेटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। देवप्रयाग जैसे 3 सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस्खलन से सड़कों को सुरक्षित करेगी। 4 वायाडक्ट का निर्माण होगा, जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायाडक्ट तथा सोनगंगा अलकनंदा नदी के पानी से सोनगंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेन वायाडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर ऊंचा पहुंचा देगी। 2 महत्वपूर्ण टनल भी विकसित होंगी, 5 किलोमीटर सिल्कियारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और पर्यावरण अनुकूल बना देगी। पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी थकान से चूर करने वाली ये यात्रा अब केवल 10 मिनट की प्रदूषण मुक्त सुखदायी यात्रा बन जाएगी। जगह जगह इमरजेंसी ले बेस विकसित होंगे, जो परेशानी भरी यात्रा को आनंदमयी बनाएंगे। 4 धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंदमय बनाने के लिए 18 रोड साइड एमिनिटीज, 145 बस बेस भी विकसित होंगी। 9 ट्रक बेस क्षेत्र के व्यवसाय उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे। वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट की उपलब्धियों में शामिल है एक्सीडेंट स्पॉट एवं दुर्घटनाओं के आंकड़ों में उल्लेखनीय कमी, खतरे की सूचना वाले बोर्ड जन सुविधा के पथ दर्शक बनेंगे, जो तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों में सुरक्षित यात्रा के विश्वास को कई गुना बढ़ाएंगे। हजारों युवाओं को रोजगार, चीन से सटी भारतीय सीमा को सुरक्षा और यात्रा के समय में 30-40% कमी। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना उत्तराखंड राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। आपके अनुभव, आपकी भावनाएं सीधे सीधे मुझे सुनने को मिल रही है। बीच में किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं। देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में आप जैसे उद्यमियों का मैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानता हूं। लेकिन पहले ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके बारे में कभी सोचा नहीं गया। आपको मालूम है, आज से 25-30 साल पहले पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोन मेले चलते थे और जो राजनीतिक उछूल रखने वाले लोग थे उनके साथ चेले चपाटे, ठेकेदार, वोट बैंक की राजनीति, ये बैंकों से रुपये मार ले जाते थे। खबरें भी बहुत छपती थी कि इतना बैंक लोन दिया गया, ये हुआ हुआ। बाद में क्या हुआ किसी ने पूछा ही नहीं। हमने न लोन मेले किए, न बिचौलियों को जगा दी। हमने देश का नौजवान, देश की माताएं बहनें जो खुद के इनिशिएटिव से कुछ करना चाहती है, खुद बैंक के दफ्तर में जाकर के बात करना चाहती है, अपनी बात रख सकती है, मुद्रा योजना का ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो हौसला रखने वाले, इच्छा रखने वाले, कुछ करने के इरादे रखने वाले देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हमने हमारे छोटे उद्यमियों पर भरोसा किया, उनके बिजनेस स्किल पर भरोसा किया, हमारे नौजवानों पर भरोसा किया, पहली बार व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाली मां बहनों पर भरोसा किया। मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन दिया गया ताकि वे अपना कारोबार खोल सकें, अपना कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकें, अपनी जो छोटी मोटी प्रोडक्ट है उसको बाजार में लाने के अच्छे तरीके ढूंढ सके। मुद्रा योजना से न केवल स्वरोजगार के अवसर बने, बल्कि आज ये अपने आप में एक जॉब मल्टीप्लायर का भी काम कर रहा है। यानी खुद का तो एक रोजगार हो गया, लेकिन एक ऐसा काम किया जिसने और 2-5-7 लाख 7 लोगों को
रोजगार का अवसर दिया। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यही है, आजादी के बाद से ही हमारे देश में लाइसेंस राज की बीमारी हमने देखी है। लोन उसको मिलता था जिसकी पहचान होती थी, काम उसी का होता था जिसका नाम होता था। कहीं न कहीं इस प्रथा ने देश के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को सिस्टम से बाहर ही खड़ा कर दिया था, क्योंकि न उसके पास कोई बड़ा नाम था, न ही कोई उसके पास सिफारिश के लिए कोई एजेंसी थी, कोई बिचौलिया था, कोई कांटेक्ट था। यह एक बड़ा कारण था कि हजारों लाखों छोटे उद्यमी इतने वर्षों से अपनी काबिलियत के हिसाब से या तो अपना व्यापार ही नहीं कर पाते थे या फिर उसका विस्तार नहीं कर पाते थे। आर्थिक मदद के लिए हम भली भांति जानते हैं बीमारी कैसी है। हर छोटा मोटा व्यक्ति कुछ करना चाहता था तो प्रारंभ में ही वो साहूकारों के चुंगल में फंस जाता था, और आप जानते हैं ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज वो कमाता था जैसे किसी साहूकार के लिए। बच्चे भूखे रह जाते थे, साहूकार का पेट भरता था। और इसलिए मुद्रा योजना ने ये ब्याज खोर लोगों के चुंगाल से देश के युवा धन को बचाया है। इस देश में एक ऐसा समय था जब खुद वित्त मंत्री फोन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, और दूसरी तरफ एक छोटा उद्यमी साहूकारों से 30-40% ब्याज देने के चक्कर में कुछ ऐसे फंस जाता था कि वह पूरी जिंदगी ब्याज के कर्ज में डूब जाता था। इस विशियस साइकिल को कभी तो टूटना ही था और तोड़ना भी था, किसी को तो करना था। हमने इस दिशा में प्रयास किया और हम इसमें सफल रहे हैं। इस विशियस साइकिल को हम तोड़ रहे हैं। भरोसे की, विश्वास और साहस और निर्णय शक्ति की ताकत से हमारा इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर विश्वास है, हमारा इस देश के मेहनतकश लोगों पर विश्वास है, उनके सपनों पर विश्वास है, हमारी माताओं बहनों के कौशल्य पर विश्वास है। अगर युवाओं को दशकों पहले मुद्रा जैसी योजना मिल जाती तो मुझे पूरा विश्वास है कि शहरों की ओर पलायन की समस्या इतनी विकराल नहीं होती है। बूढ़े मां बाप को छोड़कर के किसी नौजवान को शहर में भटकना नहीं पड़ता। बिना बैंक गारंटी कर्ज मिलने पर, कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलने पर युवा अपने गांव या शहर में रहते हुए अपने दम पर कोई न कोई रोजगार शुरू कर रहा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मुद्रा लोन मिल रहा है। आज एक सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी नाम और पहचान के, बिना मुद्रा लोन की मदद से एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। और आज इसकी भी जरूरत नहीं है कि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार सरकार में उसूल रखता है कि नहीं रखता है। आज देश में हुनर की कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, किसी विवर्ष से जुड़ा हो, उसके पास कोई न कोई विशेष हुनर है। जरूरत है उस हुनर को पहचान देने की, उसे प्रोत्साहन देने की। मुद्रा योजना से लोगों, खास करके हमारे युवाओं को इसी हुनर को बल मिल रहा है। जब हुनर को प्रोत्साहन मिलता है तो उससे हुनर और खिलता है,
जीवन में बदलाव आता है। मान लीजिए किसी के पास कपड़ों में कढ़ाई करने का हुनर था, उसने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर कपड़ों में कढ़ाई करने का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे वह डिजाइनर कपड़ों का काम करने लगेगा, किसी को अपना हैंडलूम का बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी। मुद्रा योजना से एक तरह से देश के सामान्य व्यक्ति के हुनर को निखारने का काम किया, उस हुनर को पहचान दिलाने और लोगों को सशक्त बनाने का काम किया है। अब देखिए, एक माली है, वो 10-12 घरों में माली के रूप में बंगलों में काम करता है, लेकिन अगर मुद्रा योजना से लोन मिल गया, उसका बेटा बड़ा हो गया, उसके बाद हुनर तो था, और अगर मान लीजिए कहीं पर जमीन थोड़ी सी किराए पर लेकर के अपनी छोटी नर्सरी बनाता है, जो दूसरे के बगीचे में काम करता था वो धीरे धीरे गुलदस्ता बनाना शुरू करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, एक माली मुद्रा योजना के पैसों से पूरे जीवन को कहां से कहां ले जा सकता है। और इसलिए एक ऐसा काम मुद्रा योजना के तहत लाभ मुद्रा योजना के अंतर्गत, और ये आपको जानकर के आनंद होगा मेरे प्यारे देशवासियों, अब तक कुल 12 करोड़ लोन के माध्यम से, 12 करोड़, इस देश में कुल 25-27 करोड़ परिवार हैं। 25-27 करोड़ परिवारों के बीच अगर 12 करोड़ लोन स्वीकृत होती हैं, इतने कम समय में होती है, बिचौलिए के बिना होती है, गारंटी के बिना होती है, और लोन भी कम नहीं, इन लोगों को कुल मिलाकर करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया इन लोगों के हाथ में दे दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास योजनाओं के लिए फंड होता है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुद्रा एक ऐसी योजना है जिसमें लक्ष्य से अधिक लोन दिए गए हैं। इसमें भी 28% यानी 3.25 करोड़ से ज्यादा ऋण ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है। ये वो लोग हैं जो एक तरह से बेरोजगारी से निकलकर रोजगार पैदा करने की क्षमता के साथ समाज में खड़े हुए हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि जो 12 करोड़ लोग हैं, 12 करोड़ जो लोन है, इन 12 करोड़ लोन में 74% यानी करीब करीब 75% लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, हमारी महिलाएं हैं। यानी 9 करोड़ से ज्यादा लोन सिर्फ महिलाओं को दिए गए हैं। जब महिला आगे बढ़ती हैं, आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनती हैं, तो पूरे परिवार का आत्मविश्वास 4 गुना बढ़ जाता है, सोच ही बदल जाती है, समाज सशक्त हो जाता है। इसी तरह मुद्रा योजना के तहत 55% पिछड़े समाज के व्यक्तियों को दिए गए हैं। यानी कुल 12 करोड़ लोन में से 55% लोन एसटी, एससी और ओबीसी समाज के हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को मिला है। देश को हम गरीबी के नाम पर कैसे कैसे गुमराह करते हुए देखा है, कैसे कैसे नारे हमने सुने हैं, न जाने कितनी बातें बताई गई, और शायद 30-40 साल से ये सुनते सुनते गरीब का तो विश्वास ही टूट गया है। लेकिन मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है
जो बिना किसी भेदभाव के पिछड़े समाज को आर्थिक एवं सामाजिक बल देने का, उन्हें एक सशक्त करने का काम सफलतापूर्वक किया है। जो कारवा बैंकों के साथ शुरू हुआ था, उसमें धीरे धीरे आज अनेकों संस्थान भी जुड़ते चले गए हैं। आज सिर्फ 110 ही बैंक ही कर रहे, ऐसा नहीं, इसके अलावा 72 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस MFI और 9 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs भी मुद्रा लोन दे रहे हैं। बैंकों ने भी मुद्रा लोन लेने की प्रक्रिया को और आसान बनाने का काम भी किया है। डॉक्यूमेंट जुटाने का तनाव ना बने, इसलिए कागजी प्रक्रिया को भी सरल रखा गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड होना आज एक गर्व की बात है और इसके प्रेरणा स्रोत आप सब मेरे साथी हो। इस योजना को आपने सफल किया है। पैसे लेकर के मार जाने वाले की दुनिया में अविश्वास पैदा करने का, वातावरण बिगाड़ने का काम होता है। ये आप वो लोग हैं जिन्होंने पाई पाई का उपयोग करके अपने पसीने की कमाई से अपने परिवार को भी ताकत दी है, समाज को भी ताकत। इंडिया यानी क्या करने का, घर चलाने के, अभी लेने से धंधा अच्छा चल रहा है मेरा, रुपए से बचता भी सर, बैंक भी भरता हूँ सर अच्छे से। समय पर पैसे दे रहे हो बैंक वालों को वापस? जी सर। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए, बड़े लोग तो उठा करके भागते हैं लेकिन गरीब आदमी कभी भागता नहीं है। हाँ, ये बहुत बहुत खुशी की बात है जी। हमारे देश की ताकत हमारा देश का गरीब है। हाँ, चलिए हरि जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत प्रगति करें और औरों को भी प्रेरणा दें अपने पैरों पर खड़े रहने की। जी सर। हाँ, आप कौन है? मंजुनाथ, कर्नाटका। नमस्ते। हाँ बताइए मंजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। मंजू सर सुन रहे हैं आपको आवाज? हाँ अभी अभी आ गई। अरे आपकी आवाज दब नहीं सकते। बोलिए सर मैं मुझे तालुका में रहता हूँ। मुझे तालुका में मेरा एक दुकान है, मोबाइल का दुकान है, श्री साईनाथ एंटरप्राइज। मैंने जब सिंडिकेट बैंक को गया था, मेरे को सिर्फ 20,000 का जरूरत था, जो मेरा SBI अकाउंट में था वो निकालने के लिए गया था। उधर का स्टाफ लोग ने मेरे को मुद्रा लोन के बारे में उन्होंने ही बोला, मैंने तो नहीं पूछा था। मेरे को 20,000 रुपये जो है वो चाहिए था मेरे बिजनेस के लिए। उन्होंने बोला सर आपको 2,00,000 रुपये हम लोग कुछ बिना सिक्योरिटी से दे सकते हैं। बोल दो, मेरे को खुशी हुई, मगर मैं उनको बोला कि मेरे को 2,00,000 नहीं चाहिए, मेरे को 5,00,000 चाहिए। ओ, 20,000 देखते 5,00,000? जी, क्योंकि मेरा परिस्थिति तो बहुत गंभीर थी सर। मेरे पास तो 20,000 था, वो निकालने के लिए गया था, वो कुछ काम को आया बोलते। मगर बैंक वालों ने मेरे को 5,00,000 रुपये दिया सर। 5,00,000 रुपये मेरे को 2016 में दिया और 2017 में उसको क्लोज भी किया, सारा पैसा वापिस दे दिया 100% सर। क्लोज भी हुआ, एक साल के अंदर ही क्लोज हुआ। मेरा बिजनेस भी अच्छा चला और बिजनेस में मैं 4 लोगों को काम भी दिया मेरा दुकान में। बाद में 2017 में, मतलब अभी मार्च 18 में, फिर से मेरे को थोड़ा दिक्कत आया, बिजनेस और भी बड़ा करना चाहिए था। जब मार्च 28 को मैंने जाके उनको पूछा, मेरे को 8,00,000 रुपए का लोन चाहिए बोल के, उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन में मेरे को करके दिया सर लोन, सिर्फ 2 दिन में करके दिया। आज का डेट क्या है देखिए सर, अभी मैंने मई 16 तक 2,00,000 रुपए वापस भी दिया हूँ। अच्छा, 8,00,000? यस सर। अच्छा, सक्सेसफुली चल रहा है दुकान और मैं 3 लोगों को लोन भी उधर दिलाया हूँ सर। एक मेरा दोस्त है, उसका एक फुटवेयर का दुकान है, उसको भी 1-2 लाख रुपए दिलाया हूँ, और एक उसका भी मोबाइल सेल्स एंड सर्विस है, उसको भी 2,00,000 रुपए दिलाया हूँ।
बहुत खुशी हुई है सर। ये कितने मंजुनाथ कितने लोगों को अभी आपने रोजगार दिया? जब 20,000 पे 20,000 से 5 लाख, 5 लाख से 8 लाख, और वो भी 2 महीने में 2 लाख वापस कर दिया, इतना बड़ा टर्नओवर, तो अभी कितने लोगों को काम मिलता है? सर मैं 4 लोगों को काम दिया हूँ, मेरा दुकान में 4 लोग काम कर रहे हैं। हनुमान और विभाग के अधिकारियों ने जिस तत्परता से काम किया है, आज लगभग 10,400 लोगों का हम पूरे राज्य में सौभाग्य योजना से जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा हो उसकी निःशुल्क योजना की, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन हो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने इस अति महत्वाकांक्षी योजना को आज देश को समर्पित किया है। डिजिटल इंडिया की ओर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब हम घर में बिजली पहुंचाते हैं और जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, आज 99% ये विद्युत पर और ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। तो मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये विद्युत हर घर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है, इससे न केवल प्रकाश बल्कि जीवन में प्रकाश लाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत उन्होंने की है। टीवी न्यूज चैनल के लिए संवाददाता उधम सिंह राठौर की खबर। टीम टीवी न्यूज चैनल रामनगर। टीवी न्यूज चैनल के लिए संवाददाता उधम सिंह राठौर की खबर। टीम टीवी न्यूज चैनल रामनगर।